हेलो। अच्छा एक बार हेलो कर दो। ये आज हम लोग आए हैं एंड ये बच्चे इतनी खूबसूरत ये सारे गिफ्ट्स वगैरह बना रहे हैं, तो आज ये उपासना गिफ्ट लेके आए हैं पापा के लिए। डिसाइड कुछ करती हैं, लेने कुछ और आती हैं और लेके कुछ और जाती हैं। ओ तू तू आ जा यार, तू ना खुली छोड़ नहीं पाप है। फिर हम पेंट क्यों कर रहे हैं रिद्धि? ताकि हमारे दिया सुंदर लगे। छह बज गए हैं और अब मैं यहाँ से निकलने लगी हूँ, सारा काम वगैरह फिनिश करके पूरा। और यार बहुत रश है, अभी मेरा सुबह आने का स्ट्रगल तो आपने देखा। और आज मॉर्निंग का स्ट्रगल 30 मिनट्स हो चुके हैं मुझे। अभी जाने का जो स्ट्रगल है वो मेरा पेंडिंग है और वो पता नहीं कितना लंबा होगा। और अरुण वेट करेगा क्योंकि हमें सामान खरीद के लेके जाना है। एंड ये हमें मिल गए हैं डॉक्टर साहब। हाँ एंड आज हम लोग आए हैं माइका स्वीट होम। किस लिए आए हम? कुछ बहुत स्पेशल कॉज के लिए। यस हेलो। अच्छा एक बार हेलो कर दो। आपको पता है मैं कौन हूँ? मेरा नाम पता? तो यार ये आज हम लोग आए हैं एंड ये बच्चे इतनी खूबसूरत ये सारे गिफ्ट्स वगैरह बना रहे हैं, चॉकलेट्स वगैरह। ये सारी आपने खुद बनाई है? ओके तो हम देखेंगे कि इन्होंने कैसे बनाई। और ये इतने सुंदर सुंदर पैक कर रखे। अच्छा ये मतलब मुझे 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 पता है बहुत सुंदर सुंदर से इन बच्चों ने बनाए हैं। और ये कितनी बढ़िया पैकिंग है, मतलब इससे ये होगा ना कि वैसे बैन है ठीक है पटाखे वगैरह चलाना, तो लोग ये खरीद के लेके जाएंगे एंड इसको जलाने की जगह खा सकते हैं। नाइस बहुत अच्छा। अच्छा वैसे आस्था इसकी क्या रखी आप लोगों ने कॉस्ट? कॉस्ट वेरी लो थी, जैसे कि हमारा बस ये मकसद है कि बच्चों हम लोगों तक बस एक स्प्रेड करें कि जहाँ दिवाली के क्रैकर्स पॉपुलर हो, पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन करते थे, हमारे है स्वीट पॉल्यूशन फैलाना। वाओ उसके लिए हम तो वैसे टैगलाइन बहुत अच्छी है। आपने भी बनाया कुछ? ये सब खाया खाया है चीनी तो चीनी ने अपनी स्वीटनेस ऐड किया है इसमें। अच्छा ये मतलब कोई लिंक वगैरह है जहाँ से कर सकते हैं ऑर्डर? यू कैन व्हाट्सएप ऑन 9810022486। ठीक है मैं नंबर यहाँ पे पिन कर दूंगा। एंड ये यहाँ पे बन रहे हैं दिए, बहुत ही क्रिएटिव क्रिएटिव से दिए बने हैं। और ये सारे बच्चे अपनी आप लोगों ने अपनी पढ़ाई कर ली? तो पढ़ाई करने के बाद अच्छा ये अलग से आप अच्छा अलग से क्यों बना रहे हो आप? दीदी ने कहा। अच्छा यहाँ पे बैठ के बनाने को? तो ये सारे के सारे आप वाटर कलर से बना रहे हो ना? बहुत अच्छा। एंड ये यहाँ पे बन रही है चॉकलेट। तो यार मुझे मुंह पे हाथ लगाना पड़ेगा क्योंकि पानी आ रहा है देख के। वाओ हमने सबको बताया कि आपको सबको सीखनी चाहिए, बैग बनाना सीखो, स्टिचिंग आनी चाहिए सबको। ये मुझे कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा ठीक है। ये जो बैग्स वगैरह बना रखे हैं ये एक्चुअली ये मतलब ये डिस्कार्डेड क्लोथ्स हैं एंड उससे बैग्स बनाए जा रहे हैं। एंड अब माइका से निकल गए हैं हम लोग घर की तरफ। जैसे ही स्कूटी की आवाज़ सुनाई दी भगी भगी आ गई। हाँ क्या क्या चाहिए? कुछ नहीं ना चलन ले दिखाओ। अरे भाई तुम पानी तो पी लो। तो आज ये उपासना गिफ्ट लेके आए हैं पापा के लिए। पापा के मतलब की चीज़? तो पापा के मतलब की तो एक ही चीज होती है, वो है पेन। तुम तो मैं पापा का कभी कभी तो भाई उठा बेटा कभी कभी नहीं, मम्मी पापा के जो पेन गायब रहते हैं ना उसकी सिर्फ एक वजह है। क्या है उसकी एक वजह? अपने प्यारे मुंह से बोलो मैं। तो ऊपर से ना वो रखा तो दे दो तो अपने पास भूखे रहते ही जाना। तो सुबह से कुछ नहीं खाया? गैस बनेगा कि नहीं बनेगा? मम्मी एक बात बताओ। हाँ। तुम भी खुद है कि थप्पड़ तुम सुनो तो नहीं तो तुम भी औरत जानते हो, औरतें सुनती नहीं है किसी की। हाँ। तो ये पापा को गिफ्ट। तो ये हमारी कुछ कुछ गिफ्ट्स की पैकिंग चल रही है।
इसमें हमने इतनी बड़ी बड़ी कैंडीज पैक की हैं पूरी, तो ये एक एक कैंडी एक एक कैंडिडेट को खानी है। आप लोग भी गेस करना कौन सा फ्लेवर है इसमें। सो मैं एक बार फिर से आ गई हूँ कुमार मार्केट, लेकिन इस बार सामान बच गया, लास्ट टाइम तो बिल्कुल खत्म हो गए थे, तो अभी मैं कुछ क्रिएटिव से दिए देखती हूँ और सामान। तब इतनी सारी वैरायटी हो रखी है, इतनी सारी, तो मतलब एक ना दिवाली की भी अलग ही रौनक होती है। तो जैसे हमने क्या है, मैंने कुछ कुछ मिट्टी के दिए देखे हैं, तो इस बार मैंने सोचा बहुत ज्यादा कलरफुल नहीं जाएंगे, इस तरह मिट्टी को हम प्रमोट करेंगे मतलब नेचुरली, तो इनको खरीदेंगे। तो चौमुखी जो होता है वो भी इसी में देख रही हूँ, और ये भी इसी में अगर मेरे को मिल जाता है। और ये बहुत ही सुंदर बना रखे हैं घर लक्ष्मी गणेश जी के, और ये की हट में, इन दोनों में से एक चूज कर रही हूँ अभी बस, और मार्केट में खत्म है। और ये आज की मेहनत, मेरे मुंह की डस्ट इस तरह से निकल रही है। अभी हम दिए वगैरह लेके आ गए हैं सारा सामान, और अब उत्पम, बड़े दिन के बाद मैं यहाँ आई हूँ अभी, उत्पम देन इसके बाद क्लिनिक, और उसके बाद बाकी गिफ्ट की शॉपिंग, तो आज रात तक वाट लगेगी क्योंकि इसके बाद घर जाके मुझे लगानी है लड़ियाँ। और ये सुबह मैंने चमकते जूते पहने थे, एक घंटे में ऐसी हालत हो गई, अभी हम कुम्हार मार्केट जाके आए हैं तो पता चल रहा है पूरा। तो ये गिफ्ट्स की पैकिंग है, इस बार मैंने ना बच्चों के लिए यानी कि स्टाफ के लिए भी डिफरेंट सोचा है। इसमें है सबकी बेडशीट्स की पैकिंग, और इसके साथ कुछ मैंने डिफरेंट सा प्लान किया है, वो अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी। तो ये पैकिंग डन हो गए हैं, ये वाला पोर्शन दबाओ ना, सड़क पे पीड़ तो बातें चल रहा है, फिर ये शख्स कहता है कि मेरी बीवी मेरे पे अत्याचार कर दी। आज मैं रात को आपको इतना इंटरेस्टिंग ब्लॉग शूट करके दिखाऊंगी ना, अरुण की डैश डैश डैश, मतलब वो गलत मत लेना, मतलब अरुण के चोट से अलग ही लेवल पे भड़क है भाई, ब्याह शादी ओ भड़क है। ओ तेरे पास कितने सारे हैं, एक भी नहीं है इसे बर्फ ना पिटती थे दिल्ली में, तो एक और ले ले तू ही, नहीं जो करना है वो कर ले भाई, इसके ना गले में मैंने बांधना पड़ेगा। जो इतना पलटन हो जाएगी तो तुम तो खरीदते चलना, मैं उठाते चलूंगा भाई। ये ना लेने कुछ आती हैं, ठीक है, डिसाइड कुछ करती हैं, लेने कुछ और आती हैं और लेके कुछ और जाती हैं, ठीक है, और घर जाके शेट यार मैंने ये तो लिया ही नहीं। ओ तू तू आ जा यार, तू ना खुली छोड़ नहीं पाप है। ओ ओ फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर निकल, तेरे काम का है यो, एनफ इज एनफ, क्या करोगी एक दो पेयर लेके। डॉल को बना दूंगी, गंदे हो रहे हैं दिवाली पे चेंज करने, जीरो नंबर ये है यो, टेलर ने गलत सीम दिया, इसने सीम नहीं आई है। चल ले यार भड़क मत ना कर, क्या हो गया। अरे ये आयुर्वेदिक पानी के साथ लो, पांच आयुर्वेदिक पानी है, एलोवेरा का भी है इसमें, तो एलोवेरा वाला भैया लगाना, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इस बंदी ने एक मिनट लगाई है अपनी बातों से पलटने के लिए, आज तो फिर भी काफी टाइम। बेटे मेरी ये है शानी ना बने, जब से खड़ी है ना रोड क्रॉस हो रहा, और भगले भगले, अरे मैंने भैंस को, और मैंने ना मना किया था कि वहां पे जहाँ जा रहे हो वहां पे आपके मतलब का नहीं मिलेगा, जो सामान लेने गई थी ना उसको छोड़ के हर एक सामान लेना, ठीक है। गोलगप्पे के लिए मना किया, दो मिनट में बदल गई अपनी बातों से, दो खाए। अरे तुमने कहा वो भी, अब तुम्हारी बात मानो तो दिक्कत, ना मानो तो दिक्कत, बताओ। जो माननी होती है ना काश वो भी मान लो। तो बाकी गिफ्ट के साथ ये मैंने पैकिंग्स बना लिया एम्प्लॉयज के लिए, इस तरह से एक एक एम्प्लॉय के एक एक लिए इस तरह से पूरा कॉम्बो बना रहे हैं हम, और ये दोनों मिलके बना रहे हैं खाना। आज कौन कौन सी सब्जी बन रही है इसमें बनाना, वो वाली मैं अपनी फेवरेट, क्या शुभम की अलग फेवरेट, हम लोग का अलग, तो मम्मी तो सारे में है। मेरी वाली इसमें बनाना लोहे की कढ़ाई में। वैसे मम्मी ने दाल बना रखी थी पर मेरा बहुत मन था आलू न्यूट्री खाने का, तो मैंने आलू न्यूट्री बनाने लगी, थोड़ी देर में अरुण आके बोले मेरी पनीर की भुर्जी। सो ये तीन डिशेज मेरी इसमें बनेगी, कढ़ाई पनीर सॉरी पनीर के बच्चे। एक्चुअली क्या होता है, जो लोहे की कढ़ाई में जो सब्जी बनती है ना उसका मतलब बहुत ही अलग टेस्ट होता है। लोग ना लोहे की कढ़ाई बनाते थे, ये तो नॉनस्टिक की अब अमीरों के ट्रेंड आ गए हैं, ठीक है, ये कुछ नहीं होता था पुराने टाइम में, हर लोहे की इतनी भारी भारी कढ़ाई होती थी, हर घर में यही मिलती थी, इसीलिए तो लोग तभी तो फिट रहते थे। अब तभी तो बीमारियां नॉनस्टिक की, उसमें पेंट, इतनी सारी कोटिंग। दीदी दीदी अभी क्या हुआ था, क्या हुआ था अभी, मिर्च तीती थी,
दीदी डांटेगी, दीदी डांटेगी, डांटेगी। फिर हम पेंट क्यों कर रहे हैं रिद्धि? ताकि हमारे दिया सुंदर लगे। सो ये रिद्धि का होमवर्क है, जो हो तो होम पे रहा है लेकिन वो खुद से नहीं हो पा रहा वो वर्क, है ना, है ना। वो तो उसका आर्ट एंड क्राफ्ट का कभी खुद से हुआ है? रेनू मैम आप देख रहे हो ना, आप देख रहे हो ना मैम, सारा काम मेरे से करवा के लेके जाती है ये मैम, आप वीडियो देख रहे हो ना, बिल्कुल मार्क्स काट लेना इसके। नो मैम। नो मैम, नो मैम क्या होता है। तो मुझे ना अपनी एक स्कूल की मेमोरी याद आ रही है। तो क्या हुआ कि स्कूल में जब जाते छोटे थे ये वाले सेकंड थर्ड के, तो मे आई कम इन होता है, तो यार उस टाइम पे यार ठीक है स्कूल भी छोटा सा था ठीक है, तो वहां पे मैकमिन मैम, मैकमिन मैम, तो मैंने कहा मैकमिन बोलते होंगे, तो फिफ्थ सिक्स तक ना मैकमिन 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 करके बोलते रहे। फिर जब सेवन्थ में मैं गया शांति ज्ञान निकेतन में, तो वहां पे मेरी याद है ऐसे ऐसे होते ना हम लोग, ऐसे करते मैकमिन मैम, ऐसे किया दोनों ऐसे बंदूक की तरह मैकमिन मैम। तो मैंने देखा यार वहां पे बच्चे ऐसे तो करें ना मैकमिन मैम, वहां पे मे आई कम इन मैम, तो मुझे जाके तब पता चला कि वो मैकमिन नहीं है, दैट इज मे आई कम इन है। एंड ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है मेरा। ये रिद्धि, हाँ रिद्धि के हाथ अभी काफी बड़े हो गए हैं, तो ये रिद्धि बनाने लग रही है ना रिद्धि, आप बना रहे हो ना, पर आपके आपके हाथ दिख रहे हैं, आपके हाथ छुपा लो छुपा लो छुपा लो। तो ये आपने बना दिया ना, कैसे बनाया आपने? अंदर रेड किया, हाँ, उसके बाद ऊपर इधर ब्लू किया, इसके ऊपर यहाँ पे और व्हाइट व्हाइट स्लिप्स लगा दी, और नीचे येलो किया, फिर हमने ये वाला कलर लिया, और ऊपर से हमें रेड कलर लेना है और उस पर डॉट। जरा शर्म नहीं आई ना झूठ में? बहन किसकी है? ननद, ननद वाला ज्यादा वो जा रहा है। एक्सक्यूज मी सर, देख लीजिए आप किस पे पैर, पहले नहीं बोलते झूठ ऐसे, अब तो सरपट सरपट निकलते हैं। तो यार अभी बज रहे हैं रात के 12:10, तो इतने ज्यादा थक गए थे हम लोग आज, पहले गिफ्ट्स वगैरह लेने गए, उसके बाद बच्चों के लिए पैकिंग्स वगैरह करवाई थी, वो सारा लेके आए, उसके बाद घर आके भी उपासना ने तो यार बहुत अच्छी अच्छी आज दो सब्जियां बनाई थी, मेरी फेवरेट पनीर की भुजी, उसके बाद हम लोग ना यार बहुत थक गए। वैसे हमारा प्लान था आज दिवाली की लाइटिंग करेंगे, लेकिन फिर ऊपर गए, फिर मैंने कहा हिम्मत नहीं है, अब जाके नहाने की फुर्सत मिली, और इतना अच्छा फील हो रहा है ना, इतना अच्छा। नहाए नहाने नहीं जा रहे थे, कह रहे थे कपड़े चेंज करके आ रहा हूं। यार मेरे को ये था कि मैं सोचो, फिर मेरे को ना यार ये था कि नहीं यार मुझे काम करना है, तो अब मैं बहुत बिल्कुल रिफ्रेशिंग सा फील कर रहा हूँ, अब मैं आराम से बैठ के 3-4 घंटे काम करूंगा। तो इस वाले व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, उपासना जा रहे हैं सोने, वीडियो को कर देना आप लोग लाइक, एक प्यारा सा कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब। अब आने वाले जो व्लॉग्स होंगे वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाले हैं, ये दिवाली सेलिब्रेट करेंगे हम, उसके बाद कुछ कुछ हम प्लान करेंगे, कुछ कुछ गेम्स, कुछ कुछ फन एक्टिविटीज, तो स्टे कनेक्टेड ठीक है, मिलते हैं कल, और कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यू है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, बाकी मैं आगे आप लोगों के लिए क्लिप ऐड कर ही दूंगा। ये क्लिप मैं किस लिए ऐड कर रहा हूँ, रिव्यूज यार बहुत ज्यादा जरूरी है एक ट्रस्ट के लिए, तो इसीलिए मैं रिव्यूज ऐड करता हूँ आप लोगों के लिए व्लॉग में। तो कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, अभी के लिए टाटा बाय बाय। ये पैच था पहले तो ये मीनाक्षी है, मीनाक्षी का पिगमेंटेशन का ही ट्रीटमेंट चल रहा है। मीनाक्षी आज आपका अभी कितने दिन हुए आपको ट्रीटमेंट लेते हुए? मैम मेरी आज 7th सिटिंग होगी, 6 मेरी कंप्लीट हो चुकी है, और ये लगाओ मुझे 50% रिस्पॉन्स मिला है। तो आप एक बार अपने फेस पे बता देंगे कैसे था आपके पूरे? ये मुझे ऐसे पूरा पैच हो चुका था, यहाँ से मेरी ये स्किन थी ना जो बिल्कुल ब्राइट दिखती थी, ये बिल्कुल ब्लैक हो चुकी थी यहाँ से, और ये चीज़ है जो मेरी कम्प्लीटली ये पूरा मेलाज्मा बन चुका था मेरा, तो अभी काफी हद तक मुझे बहुत ऐसे दूर से देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि हाँ मतलब बिल्कुल आप ध्यान से देख रहे हैं तभी पता चल रहा है। बिल्कुल मैम बिल्कुल। तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका? 90% बता सकती हूँ अभी तक मैम की 90% रिजल्ट मुझे मिल चुका है। चलो मतलब खुश हुआ बात, बिल्कुल अब आपका बिल्कुल ब्रेक हो गया ना कि मेलेज्मा ठीक हो सकता है, हर मतलब कोई भी बीमारी है उसके लिए मैं कह सकती हूँ यहाँ रिस्पॉन्स मिलेगा हर हाल में। थैंक यू मैम, थैंक यू।